कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खाद्य तेल के बाजार में आज कैसा कारोबार चल रहा है, कैसा ट्रेंड मार्केट में देखा जा रहा है, आपको विस्तार से बताएंगे। सरसों सोया पाम ऑयल के लोकल मिलों के बाजार के बारे में इसी लाइव वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सोयाबीन के बाजार के बारे में अगर बात करी जाए तो उत्पादक मंडियों में दाम कमजोरी के साथ सोयाबीन में खुले हैं। व्यापारियों का मानना है कि घरेलू मार्केट में सोयाबीन में दैनिक आवक लगातार बनी हुई है, प्लांट जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। इसमें हल्का सुधार देखा जा सकता है लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार नहीं है। शिकागो में आज सोयाबीन के दाम बाजारों में तेज हैं, जबकि सोया तेल में आपको कमजोरी बाजारों में देखने को मिल सकती है। अर्जेंटीना ब्राजील से सोयाबीन आपूर्ति काफी ज्यादा संतोषजनक नहीं है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन डाउन है। अमेरिकी सोयाबीन बिजाई लगभग पूरी होने से भी दबाव है, लेकिन घरेलू मार्केट में सोयाबीन बिजाई घटने और समर्थन मूल्य बढ़ने से मामूली सुधार जरूर दर्ज किया गया है। सोया तेल की वैश्विक आपूर्ति घटने और घरेलू बंदरगाहों पर स्टॉक सीमित होने की वजह से सोया तेल में हल्का सुधार है। कांडा बंदरगाहों पर सोया रिफाइन 950 के दायरे में बिक रहा है और सामान्य जो मांग है वो बाजारों में कम देखी जा रही है, लेकिन आगे चलकर अच्छा सुधार देखा जा सकता है। MSP का बढ़ाना मार्केट में कीमतों में तेजी करने के लिए किया गया था कि बाजारों में थोड़ा बहुत सुधार आए, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत मामूली सा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, मामूली सा असर आपको देखने को मिल सकता है। जितना अनुमान लगाया जा रहा था उतना बाजारों में असर फिलहाल के लिए नहीं है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट जो देखा जा रहा है सोयाबीन में, उसमें लातूर में अरेहम प्लांट में कीमतें 4700 है, धनराज प्लांट का रेट 4750 है, ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4700, एडियम प्लांट का रेट 4600, धुलिया मंडी सांप प्लांट में आज कीमतें 4675 है, नारेड में सिद्ध रामेश्वर प्लांट का रेट 4650 रुपये देखा जा रहा है। महाराष्ट्र का रेट सोया ऑयल में डिसान प्लांट में 985 है, धनराज प्लांट में 970 है, एग्रो प्लांट में 975 है, श्रीनिवास प्लांट का रेट 970 चल रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में प्रकाश प्लांट का रेट 4620 है, प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4625 है, धनुका प्लांट का रेट 4660 रुपये है, सावरिया प्लांट में 4660 रुपये तक का रेट देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में रेट खांडवा ऑयल प्लांट में 975 है, प्रकाश प्लांट का रेट 970 है, रुचि प्लांट में रेट 970 है, धनुका प्लांट में आप 955 रुपये तक का रेट देखकर जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओवरऑल मार्केट में आज का जो सोयाबीन के बाजार में ट्रेंड है वो फ्लैट ही नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एक तरफा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब इसके अलावा बात करेंगे खबरों में आगे कैसा कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, होलसेल के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, घरेलू मार्केट में कैसी कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में आज क्या रेट चल रहे हैं, आपको विस्तार से इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट को उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कैसा कारोबार खाद्य तेल के बाजारों में देखा जा सकता है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विदेशी मार्केट में कैसा कारोबार देखा जा रहा है, तो विदेशी बाजारों में सुस्त चाल बरकरार है। उम्मीद के मुताबिक KLC में सुस्त कारोबार दर्ज किया गया, जैसा कि पहले बताया गया था KLC का फंडामेंटल मिला जुला है, उत्पादन कमजोर है, एक्सपोर्ट भी कमजोर है, एक तरफा तेजी मंदी का स्पष्ट संकेत नहीं है। 1 से 20 जून के बीच मलेशिया पाम तेल निर्यात 8% से 13% के बीच गिरा, वहीं चीन और अमेरिकी बाजार का कोई खास सपोर्ट भी नहीं है। CBOT सोया तेल में 42.5 से 45 के बीच ट्रेड हो रहा है। घरेलू मार्केट में खाद्य तेल की स्टॉक मई के अंत में तुलना में बढ़ा है, जबकि डिमांड सुस्त है। ड्यूटी में बढ़ोतरी की उम्मीद में कंपनियां बहुत ज्यादा भाव कम नहीं कर रही हैं। अर्जेंटीना में कल सोया तेल के भाव कमजोर हुए, जिससे घरेलू मार्केट में भी सोया तेल कुछ नरम पड़ता हुआ नजर आया। विदेशी मार्केट में सीमित तेजी मंदी और घरेलू बाजार में सुस्त डिमांड को देखते हुए आज खाद्य तेलों में दबाव देखा जा सकता है। सोया तेल, सरसों तेल और पाम तेल स्टेबल है, 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो के नीचे बाजार आज खुलता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो लोकल मिलों में जो रेट देखे जा रहे हैं उससे वनस्पति में आज का रेट 15 किलोग्राम में 1680 है। पामलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1550 है, 1 लीटर पामलिन में रेट 94 रुपए है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1655 है, 1 लीटर में रेट 1 लीटर में सोया ऑयल में रेट 99 रुपए है। फॉर्चून में रेट 15 लीटर में 1680 है, 1 लीटर में रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें, सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 94 रुपए है, पामलिन में 1 लीटर का रेट 87 है, बिनौला में 10 किलोग्राम में रेट 970 है, सनफ्लावर का रेट 990 है। मूंगफली में अगर आप देखेंगे रेट 10 किलोग्राम का तो 1450 रुपये तक का बाजारों में यहाँ से आपको रेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो राइस ब्रांड में आज का जो रेट देखा जा रहा है वो 92 रुपये, सोया ऑयल का रेट 100 रुपये है, सोया डीओ की कीमतें 98 है, मस्टर्ड में आज का रेट 120, एक्सप्रा का रेट 118 है, पामलिन में रेट आप 92 रुपये देकर जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो अगर देखा जाए तो सुस्त कारोबार देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कामकाज देखा नहीं गया है। एमएसपी बढ़ने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट आप उस तरह से बाजारों में देखने को देखकर नहीं चल सकते हैं, एक सुस्त कारोबार आज के दिन आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाज़ार में, तो सरसों पर दबाव बनना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। सरसों के बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा है। सरसों में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज करी गई है, सरकार ने काफ़ी कोशिशें करी, हाफेड की बिकवाली वगैरह की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत नरमी के साथ कारोबार देखा गया, लेकिन कहा जाए कि एक तरफा गिरावट आएगी या फिर एक तरफा गिरावट देखी गई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत नरमी दर्ज करी गई, हाफेड की बिकवाली का असर ज़रूर देखा गया लेकिन उम्मीद से ज़्यादा बाजारों में गिरावट नहीं आई है। 1 से लेकर 20 जून मलेशिया पाम तेल निर्यात में 13% तक की गिरावट की वजह से केएलसी में भी घटबढ़ देखी जा रही है, अंत में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया, तो विदेशी मार्केट का भी आप एक इफेक्ट देख कर चल सकते हैं। घरेलू मार्केट में सरसों के बाज़ार पर सरसों में सप्लाई तंग है और यही एक अच्छी वजह है, यही एक बड़ी वजह है कि बाजारों में तेज़ी दर्ज करी जा रही है, प्लांटों में मांग बढ़ने लगी है और जिससे सरसों जयपुर भाव 75 रुपये तक बढ़कर 6150 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास देखा गया। अनुमान है कि जुलाई से अगस्त के महीने में 200 से 300 रुपये तक की और बढ़ोतरी आ सकती है। सरसों तेल जयपुर का चिघानी भाव 1174 पर स्टेबल है, वैसे भी 1150 से नीचे बाजार नहीं जा सकता है, मांग भी नहीं है लेकिन आगे चलकर सुधार देखा जरूर जा सकता है। बात करते हैं रेट के बारे में, जयपुर में आज का रेट 6100 है, दिल्ली में कीमतें 5975 है, बरवाला का रेट 5750, भरतपुर में रेट 5728 है। भरतपुर का बाजार तेज है, हिसार में कीमत 5700 है, मुरैना का रेट 5600 है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं, सलोनी शमशाबाद प्लांट में आज कीमतें 6475 है, जहां 25 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्री में कीमतें 6475 है, जहाँ 25 रुपये तक की नरमी आई है। सलोनी अलवर में आज का रेट 6400 है, जहां 25 रुपये तक घटे हैं। सलोनी कोटा में कीमतें 6400 है, जहां 25 रुपये तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। दबाव बनना कठिन है, दैनिक आवक में मामूली बढ़त दर्ज हुई है, 5,25,000 के आसपास की आवक हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा आवक नहीं है। विदेशी खातिर बाजारों को देखते हुए कीमतों में हल्का सा तेजी का रुख जरूर देखा गया है। उत्पादक मंडियों में सरसों में दैनिक आवक में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। व्यापारियों के अगर मानते हैं तो उत्पादक राज्यों में सरसों में बकाया स्टॉक तो है लेकिन व्यापारी और किसान नीचे दाम पर बिकवाली करना नहीं चाहते हैं। गर्मी बढ़ने के कारण सरसों तेल में घरेलू मांग की तुलना में कमजोरी दर्ज करी गई लेकिन इसकी कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल की मार्केट पर डिपेंड कर सकती है। आने वाला जो महीना है ऑलमोस्ट जो गर्मियों का बाद मॉनसून है वो जल्दी आने वाला है, जुलाई के महीने में मॉनसून शुरू हो जाएगा और बाजारों में जो डिमांड है सरसों सीड की वो बन सकती है। एक त्योहारी सीज़न भी है बाजारों में, आने वाले टाइम में त्यौहार वगैरह भी हैं तो उस चीज़ का भी आपको काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिलेगी। सरसों सीड की बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। सरसों के मार्केट के लिए आपको यहाँ से बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो आज सोयाबीन को लेकर ट्रेंड जो है वो फ्लैट नज़र आ रहा है लेकिन गिरावट नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खाद्य तेल के मार्केट में ख़रीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।